कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर किया पुण्य लाभ अर्जित। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में कालागढ़ और भूतपुरी में रामगंगा तट पर किया गया मेले का आयोजन। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने किए थे कड़े इंतजाम। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के कालागढ़ तथा भूतपुरी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रामगंगा नदी के तट पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने मेले में पहुंचकर स्नान किया। मंगलवार की सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु क्षेत्र के आसपास के गांवों से बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, दोपहिया और चारपहिया वाहनों से रामगंगा तट, कालागढ़ सहित भूतपुरी, झाड़पुरा, भागीजोत पर पहुँचने शुरू हो गए थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने रामगंगा में डुबकी लगाकर गंगा स्नान कर प्रसाद और खिचड़ी चढ़ाई और बच्चों का मुंडन संस्कार कराया। मेले में बच्चों के लिए झूले, खिलौने आदि आकर्षण का केंद्र रहे, जिसमें बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं महिलाओं ने क्रॉकरी, मिट्टी के बर्तन व बच्चों ने खेल के सामान आदि की खरीदारी की। मेले में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई पड़ी। सुरक्षा की दृष्टि से अफजलगढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, रेहड़ थाना प्रभारी मनोज परमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक आशीष तोमर, उप निरीक्षक अनोखेलाल गंगवार, जीत सिंह कुंडीर, कांस्टेबल विकास बाबू तथा ओमेंद्र सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। मेले में व्यवस्था बनाने में RSS के स्वयंसेवकों कनिष्क नेगी, विनोद धारियावाल सहित ग्राम प्रधान जितेंद्र चौधरी, संजय राणा, विनोद कुमार काला सहित मेला कमेटी का विशेष योगदान रहा। देखिए जनसंवाद जी, यह रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम कनिष्क है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक स्वयंसेवक हूं। तो आज जैसा कि आप सब लोग को पता है, कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और आज के दिन लोग गंगा स्नान करते हैं और साथ ही आज कालागढ़ में गंगा स्नान मेला लगा हुआ है। तो आज के दिन हम सभी स्वयंसेवकों ने मिलकर यह निर्णय किया कि मेलाओं की जहाँ जहाँ पर व्यवस्था में किसी तरह के सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। जैसा कि घाट में नहाने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लगी थी, उनको वहाँ से व्यवस्थित लाइन में रखना और मंदिर में जूते और चप्पलों की सेवा करना, प्रसाद और मंदिर के दर्शन करने में लोगों को असुविधा ना हो, इस सब चीज़ का ध्यान रखना आज स्वयंसेवकों द्वारा ये सब चीज़ें करी गई। धन्यवाद।